हेलो दोस्तों, चैलेंजर्स एकेडमी में आपका स्वागत है। तो चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो ये मैं आपको एमपी पुलिस जो 2017 में पेपर हुए थे ना, उसके पेपर को सॉल्व करवा रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, सुशासन दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो सुशासन दिवस मनाया जाता है अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर 25 दिसंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 25 दिसंबर। जय जवान जय किसान जय विज्ञान इन्हीं का नारा था और सुशासन दिवस 2014 से मनाया जा रहा है। सेकंड क्वेश्चन आया था कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है और जो मनाया जा रहा है ये 7 अगस्त 2015 से मनाया जा रहा है। और स्वदेशी आंदोलन जो चला था, स्वदेशी आंदोलन 1905 में, स्वदेशी आंदोलन तो वो 1905 यानी 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन चला था, यानी भारत की वस्तुओं का ही उपयोग करें। तो ये राष्ट्रीय हथकरघा उसी से संबंधित है। अगला थर्ड क्वेश्चन पूछा गया था कि गोवा के वर्तमान मुख्यमंत्री, उस टाइम पे गोवा के वर्तमान मुख्यमंत्री पूछा गया था, अभी वर्तमान में कौन है? प्रमोद सावंत है। गोवा की हम बात करें, गोवा की राजधानी है पणजी, ठीक है। और जो गोवा है ना, यहाँ से क्वेश्चन एक ये आता है कि गोवा को कब पुर्तगाली छोड़कर गए थे? तो गोवा को 1961 में पुर्तगाली छोड़ के गए थे, यानी आज़ादी तक, वो आज़ादी के बाद भी शासन करते रहे थे। और जो गोवा को मतलब अधिकार में लेने के लिए ऑपरेशन विजय चलाई, ऑपरेशन विजय की पहल की गई थी इसको प्राप्त करने के लिए। और गोवा से एक क्वेश्चन आते हैं कि यहाँ पर कितने जिले हैं? तो गोवा में 2 जिले हैं। कितने? गोवा में 2। अगला है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिए जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? तो यहाँ पर कौन सा है? विक्रम पुरस्कार। ये खेलों में दिया जाता है। और 2020 में 10 व्यक्तियों को विक्रम, 3 को विश्वामित्र और 4 को एकलव्य पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस संघ शासित प्रदेश में एक मुख्यमंत्री है? यानी यह पूछा गया कि कौन से केंद्र शासित प्रदेश में एक मुख्यमंत्री बनता है? तो एक पांडुचेरी और दिल्ली, 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनमें मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं। तो अगर हम पांडुचेरी की बात करें तो पांडुचेरी और दिल्ली, पांडुचेरी में और दिल्ली में बनाए जाते हैं, ठीक है, मुख्यमंत्री। अभी वर्तमान में जो आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं वो 8 हैं, ठीक है, और जो आपके राज्य हैं वो कितने हैं? 28, इससे पहले 29 हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था उसमें कि भारत की सबसे लंबी उपनदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी उपनदी, यानी ये पूछा गया कि भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो वो है जमुना नदी। और जो जमुना नदी है ना, वो किसकी सहायक नदी है? तो ये गंगा की सहायक नदी है। जमुना भारत के यमुनोत्री हिमनद से निकलती है और ये प्रयागराज में गंगा में मिल जाती है। किस में मिल जाती है? प्रयागराज में के पास गंगा मिल जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा अदालत की अवमानना के लिए दोषी ठहराए जाने वाले उच्च न्यायालय का पहला न्यायाधीश कौन बन गया? तो जस्टिस सीएम कर्णन ये बने थे, ठीक है। ये उस टाइम पे करंट में आया था ये क्वेश्चन। अगर हम सुप्रीम न्यायालय की बात करें तो ये 124 से 147 तक है। मैं करना सुप्रीम न्यायालय कौन से भाग में? सर्वोच्च न्यायालय जो स्थापना हुई थी ना, इसकी 28 जनवरी 1950 में हुई थी और दिल्ली में इसका मुख्यालय, ठीक है। इसके जो न्यायाधीश की जो रिटायर होने की आयु होती है वो 65 वर्ष, ठीक है, या फिर 6 वर्ष हो जाए। अरविंद बोबड़े इसके वर्तमान में कौन है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु पूछा गया था उस टाइम पे कि राजकीय पशु कौन सा है? तो बारहसिंगा, जिसको बारहसिंगा है। और जो आपका राजकीय पक्षी है वो दूधराज, और राजकीय खेल मलखम, और राजकीय वृक्ष बरगद, और राजकीय मछली महासीर, राजकीय नाट मत्स्य। ये
महत्वपूर्ण है, इनको आप अच्छे से कर लेना। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि असहयोग आंदोलन को किस कारण रोक दिया गया था। असहयोग आंदोलन यानी जो असहयोग आंदोलन जो रोका गया था, वो रोका गया था चोरा चोरी घटना के कारण। किस घटना के कारण? चोरा चोरी घटना, क्योंकि चोरा चोरी घटना 4 फरवरी 1922 को हुई थी। और ये उत्तर प्रदेश में एक जो थाना था ना, उसमें आग लगा दी। यानी असहयोग आंदोलन जो चल रहा था ना, असहयोग आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी द्वारा 1920 में की गई थी। तो महात्मा गांधी ने फिर इस आंदोलन को चोरा चोरी घटना के बाद इसको रोक दिया था, और बाद में वो जेल भी चले गए थे। महात्मा गांधी से कई क्वेश्चन आते हैं। महात्मा गांधी ने 1907 में चंपारण, 1908 में खेड़ा, और 1924 में इन्होंने एक बार कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया था। और नाथूराम गोडसे ने गोली मार दी थी, वो आप कमेंट करना कब मारी। अगला क्वेश्चन है, हमारे राष्ट्रीय झंडे के रंग किस क्रम में होते हैं? तो जो भारतीय राष्ट्रीय झंडा है वो पहले ऊपर होता है केसर, नीचे सफ़ेद, और सॉरी सबसे ऊपर केसर, बीच में सफ़ेद, और सबसे नीचे हरा। और इसमें जो बीच में एक चक्र बना होता है वो नीला होता है। कभी कभी चक्र पूछ लेते हैं कि चक्र का रंग कैसा? नीला। और उसमें 24 तिलियां होती हैं। कितनी? 24 तिलियां होती हैं, ठीक है। और इसका जो डिजाइन किया था वो पिंगमी वेंकैया ने किया था। अब आप मुझे क्वेश्चन बताएं कि जो सबसे पहले तिरंगा फहराया गया था वो कहाँ फहराया गया था? शायद रावी नदी के तट पर फहराया गया था। आप कमेंट करना कब फहराया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला पैरा एथलीट कौन है जिसे खेल रत्न से सम्मानित किया गया? उस 2017 का करंट का था ये, तो उस टाइम पे देवेन झझरिया थे। कौन थे? देवेन झझरिया, जिन्हें मतलब पैरा एथलीट हैं, जिन्होंने मतलब ये सम्मान प्राप्त किया था। बताओ दीपा मलिक क्या खेलती हैं? तो ये दीपा मलिक हैं जिमनास्ट, ठीक है। कमेंट करना मारिप्पन थांगवेलू क्या खेलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, भारत के 45वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में जीतने के लिए किसकी सिफारिश जस्टिस जे एस खेर द्वारा की गई थी? तो जस्टिस दीपक मिश्रा। किसको? जस्टिस दीपक मिश्रा के द्वारा। अगला, टाटा सन्स, जो टाटा सन्स है ना, इसके अध्यक्ष कौन है? तो इसके रतन टाटा हैं। और जो आपके रतन टाटा हैं ना, टाटा सन्स की स्थापना जो हुई थी ना वो 1868 में हुई थी, और जो इसका मुख्यालय वो शायद मुंबई में। एक बार कमेंट करना सही है क्या। निम्नलिखित में से किस राज्य ने ज्ञानदूत एक ई शासन परियोजना प्रारंभ किया था? तो ज्ञानदूत एक ई शासन परियोजना प्रारंभ की गई थी, तो मध्य प्रदेश। अगर मध्य प्रदेश का कोई ऑप्शन आता है लगभग, तो मध्य प्रदेश के एग्जाम में करंट का वो 100% फिर वही होता है लगभग। कानून और न्याय के केंद्रीय मंत्री कौन है वर्तमान में? तो कानून और न्याय के अभी जो वर्तमान है वो रवि शंकर प्रसाद। एक क्वेश्चन आता है कि पहले कानून मंत्री कौन थे? तो वो थे अंबेडकर। पहले जो कानून मंत्री बने थे, ठीक है, वो कौन थे? अंबेडकर। आप मुझे कमेंट करना कि संविधान दिवस मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, और जो पहले जो अंबेडकर थे उन्होंने संविधान का निर्माण किया था, प्रारूप समिति के भी अध्यक्ष यही थे, ठीक है। कमेंट करना प्रारूप समिति में कितने व्यक्ति थे। अगला क्वेश्चन है, कोलकाता में ईडन गार्डन एक है, किसका मतलब ये किसका खेल का मैदान है? तो ये क्रिकेट। किसका है? क्रिकेट। अब क्रिकेट के बहुत सारे मैदान हैं। एक वानखेड़े आता है बहुत ज़्यादा, वानखेड़े है मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक है। और जो भारत का सबसे बड़ा जो क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये गुजरात में बन रहा है, ठीक है। ये विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनेगा, ठीक है। एक मेलबोर्न आता है, ये ऑस्ट्रेलिया में है। राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम हैगा हैदराबाद में, राजीव गांधी।
और एक ग्रीन फील्ड, ये तिरुवनंतपुरम में, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम ये कोचीन में है। और एक क्वेश्चन आता है कि किस खेल का मैदान सबसे बड़ा होता है, तो वो है होता है गोल्फ का, किसका होता है, सॉरी गोल्फ का नहीं, पोलो का होता है सबसे बड़ा, किसका होता है, पोलो का। अगला क्वेश्चन देखें, रजवाड़ा महल कहाँ है, तो रजवाड़ा जो है ना इंदौर, इंदौर की अगर हम बात करें तो ये मध्य प्रदेश की औद्योगिक राजधानी कहलाती है, ठीक है, इंदौर, इंदौर में स्टेडियम है होलकर स्टेडियम, इंदौर में ही है, ठीक है। इंदौर की बात करें, इंदौर में, अगला क्वेश्चन है, एक सरकारी बैंक नोट मुद्रालय मध्य प्रदेश के किस स्थान पर है, तो देवास में। बैंक नोट प्रेस कहाँ पर है, तो देवास में, तो यहाँ पर जो रुपए छापे जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अभिनव भारत के संस्थापक कौन है, तो जो अभिनव भारत के संस्थापक हैं वो हैं बीडी सावरकर। कौन है बीडी सावरकर, इन्होंने अभिनव भारत की स्थापना 1904 में की थी, कब की थी, 1904 में। और इसमें जो अगला क्वेश्चन है, कमेंट करना कि जो आपका चंद्रशेखर आजाद ने किसकी स्थापना की थी, चंद्रशेखर आजाद को शहीद कहते हैं, ठीक है, और अल्फ्रेड पार्क में ही मृत्यु हुई थी, कब हुई थी, तो आप कमेंट करना। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो अर्थशास्त्र के लेखक हैं कौटिल्य, जिसको विष्णुगुप्त भी कहते हैं, ठीक है। अर्थशास्त्र ये मौर्य वंश, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे ना, उनके प्रधानमंत्री थे, ठीक है। और जो क्वेश्चन आता है कि जो अर्थशास्त्र है ना वो किसका विषय है, ठीक है, अर्थशास्त्र किससे संबंधित है, तो ये राजनीति से संबंधित है। क्वेश्चन आता है कि अर्थशास्त्र का क्षेत्र क्या है, तो राजनीति से, किससे है, राजनीति से। अगर हम इसमें बात करें भवभूति की, तो भवभूति की पुस्तक कौन सी थी, कालिदास की पुस्तक मेघदूतम, रघुवंशम, कुमार संभवम, शकुंतलम, ये हैं। भवभूति की अगर हम बात करें तो मालती माधव, उत्तर रामचरित, कौन है, भवभूति की मालती माधव और उत्तर रामचरित्र, तो ये पुस्तकें हैं कुछ फेमस। अगला, अब यहाँ पर जो साइंस के क्वेश्चन आए थे ना, वो थोड़े एमपी में अच्छे लेवल से पूछे जाते हैं थ्योरिकल में, तो पादप कोश का भित्ति निम्न में से किसकी बनी होती है, तो ये सेल्युलोज की बनी होती है, पादप भित्ति किसकी बनी होती है, सेल्युलोज। और ये जो पादप भित्ति होती है ना, जो बाहरी आवरण को दृढ़ात्मक सुरक्षा यानी आपका कठोर बनाने, मतलब भारी से चीजों से रक्षा करती है सेल्युलोज। अगला क्वेश्चन है, कोशिका का अजीवित भाग निम्न में से कौन सा है, तो कोशिका का जो अजीवित भाग है वो कोशिका भित्ति है, यानी ये कोशिका भित्ति होती है अजीवित, यानी भार का छिलका होता हो। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से एक फसल का उदाहरण है उसे पहचानिए, यानी इसमें ऑप्शनों में से एक फसल है वो क्या है। अब गुलाब के बगीचे में तो फसल होती नहीं, खेत में उगाए जाने वाले गेहूं, अनेक गेहूं के पौधे, यानी ये फसल होती है जो आप गेहूं बोते हैं वो क्या है, एक फसल, बहुत सारे, तो एक तो रबी की फसल और खरीफ की फसल, तो बताइए, कमेंट करिए, गेहूं की फसल रबी की है या खरीफ की। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें मुकुलन के माध्यम से अलैंगिक प्रजनन होता है, मुकुलन के माध्यम से, तो वो हाइड्रा में, किसमें होता है, हाइड्रा। और जो लैंगिक प्रजनन होता है ना वो अमीबा, स्पाइरोगायरा और प्लेनेरिया। अगला क्वेश्चन है, गर्म जल प्राप्त करने के लिए सोलर वाटर हीटर का उपयोग किन दिनों में नहीं किया जा सकता, यानी जो गर्म जल प्राप्त करने के लिए जो सोलर वाटर हीटर का प्रयोग होता है वो किन दिनों में नहीं हो सकता, तो आप जानते हो बदली वाले दिन, क्योंकि जब धूप ही नहीं निकलेगी तो आप फिर उसका उपयोग कैसे करोगे, तो यहाँ पर आंसर लगेगा बदली वाले दिन। अब गर्म दिन में तो होगा, धूप वाले दिन में भी होगा, पवन वाले दिन में भी हो जाएगा, लेकिन बदली वाले दिन में नहीं होगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, भारत का सबसे महत्वपूर्ण तेल बीज मूंगफली एक ऐसा पौधा है, खरपतवार पौधा है, अनाज फसल या फलीदार पौधा, तो ये फलीदार पौधा, जो आपकी मूंगफली होती है ना,
मूंगफली सबसे ज़्यादा गुजरात में पैदा की जाती है। मूंगफली के उत्पादन में सबसे प्रथम वही है, और मूंगफली एक तेलीय फसल भी है। जब किसी परिनालिका से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो यह किस रूप में कार्य करती है? जब किसी परिनालिका से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो यह क्षण चुंबक के रूप में कार्य करती है। कैसे करती है? क्षण चुंबक के रूप में कार्य करती है। अगला क्वेश्चन है, जब गुथे हुए आटे को रोलिंग पिन या बेलन से दबाया जाता है, जब आप रोटी बेलते हो तो लगाए गए बल के कारण परिवर्तन होता है, यानी किसके कारण परिवर्तन, मतलब किस में परिवर्तन होता है, तो उसका आकार, अब आप जानते हो जब आप रोटी बेलोगे तो उसका आकार क्या होगा? परिवर्तन होगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, अखिल ने ठंडी शीतकालीन रात में कपड़े की कुछ परतों के साथ स्वयं को लपेट लिया, इसे उसे स्वयं को गर्म रखने में सहायता मिली, क्योंकि अब आप गर्म कपड़े कुछ परतों में लपेटा, उससे क्या होगा? कपड़ों के बीच फंसने वाली हवा, अब उसमें जो हवा फंसे के बीच में, तो ऊष्मा का एक खराब संवाहक होती है, यानी वो ऊष्मा को बाहर नहीं जाने देती। आप जानते हो कि एक कम्बल की बजाय आप सॉरी दो तीन एक रजाई की बजाय अगर आप दो तीन छोटी छोटी पतली कम्बल ओढ़ते हो तो उनमें जो हवा रहेगी वो आपको ठंड कम लगने देगी, जबकि उसकी बजाय। अगला क्वेश्चन है, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, और लोगों को शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं। धन्यवाद।